सरकार आई। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बावजूद भी, लंबे सफर के बावजूद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारिश के चलते मंडी में युवा संकल्प रैली का संबोधन करने नहीं पहुंच पाए। भारी संख्या में पहुंचे युवाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधन किया और हिमाचल से अपने जुड़ाव के बारे में जिक्र किया। तो वहीं बारिश में भीग रहे कार्यकर्ताओं ने सर के ऊपर कुर्सियां डालकर मोदी को सुना और कुछ लोगों ने तिरपाल का सहारा लेकर खुद को बारिश से बचाया। इस दौरान सुरेश भारद्वाज और अन्य भाजपा नेता भी छतरी का सहारा लेकर भाषण को सुनते रहे। उत्तराखंड और गोवा दूसरी बार डबल इंजन सरकार आई। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बावजूद भी, लंबे सफर के बावजूद भी, जिस प्रकार की योजना मोदी जी ने केंद्र में शुरू की है उसको सप्लीमेंट करने के लिए जयराम जी यहां काम कर रहे हैं। वहां मोदी जी आयुष्मान भारत शुरू करते हैं तो यहां जयराम जी थीम केयर चालू करते हैं। वहां स्टार्टअप इंडिया मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारिश के चलते मंडी में युवा संकल्प रैली का संबोधन करने नहीं पहुंच पाए। भारी संख्या में पहुंचे युवाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधन किया और हिमाचल से अपने जुड़ाव के बारे में जिक्र किया। तो वहीं बारिश में भीग रहे कार्यकर्ताओं ने सर के ऊपर कुर्सियां डालकर मोदी को सुना और कुछ लोगों ने तिरपाल का सहारा लेकर खुद को बारिश से बचाया। इस दौरान सुरेश भारद्वाज और अन्य भाजपा नेता भी छतरी का सहारा लेकर भाषण को सुनते रहे। उत्तराखंड और गोवा दूसरी बार डबल इंजन सरकार आई। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बावजूद भी, लंबे सफर के बावजूद भी, जिस प्रकार की योजना मोदी जी ने केंद्र में शुरू की है उसको सप्लीमेंट करने के लिए जयराम जी यहां काम कर रहे हैं। वहां मोदी जी आयुष्मान भारत शुरू करते हैं तो यहां जयराम जी थीम केयर चालू करते हैं। वहां स्टार्टअप इंडिया मोदी। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।